जीवन में कोई भी समस्या प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, इस चीज को आप मान के चलिए। प्रॉब्लम कब बनती है पता है? जब हम या तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना नहीं चाहते या तो हम उसके सॉल्यूशन से काफी दूर होते हैं। अब सॉल्यूशन से दूरी का मतलब क्या पता है? देयर इज सम ऑब्स्टेकल। वो ऑब्स्टेकल कौन होता है पता है? जब कोई प्लैनेट अपने आप को दिक्कतें महसूस करता है, दिक्कत में, बेटर वर्ड होगा। अब एक कंसेप्ट आप लोग के कंसेप्ट के हिसाब से जब प्लैनेट नीच का होता है तब वो दिक्कत में महसूस करता है, राइट, सो कॉल्ड। लेकिन उसी जगह पे हमने ये भी देखा है कि नीच के प्लैनेट भी बहुत अच्छे परिणाम देते हुए, लेकिन कब देते हुए नीच के प्लैनेट अच्छे परिणाम, सो कॉल्ड, जब वो व्यक्ति उस व्यक्ति प्लैनेट को नीच का ना समझ के उसको पॉजिटिवली यूज करता है। तो उससे हमने क्या पाया कि ऊंच नीच के कंसेप्ट को निकाल दिया जाए, और अगर उस प्लैनेट के प्राप्त को व्यक्ति हैंडल कर लेता है तो जो अनकंफर्टेबल प्लैनेट है वो भी कंफर्ट में आ जाता है। उदाहरण के लिए आपका मून नीच का है, मून नीच का कौन सी राशि में होता है? आठ सर नंबर, वृश्चिक में, वृश्चिक राशि में बिल्कुल सही। तो आठ नंबर राशि या आठवां भाव दोनों उसको अनकंफर्टेबल बनाता है मून को, एम राइट अबाउंड। यस सर। अब मून की प्रॉब्लम यह है कि मून क्या है, वो एक फैलने वाला प्लैनेट है, मतलब कि वो जहां भी डालोगे पानी को, जल को आप कहीं भी डालोगे वो क्या करेगा, फैलेगा। याद करो हम एस्ट्रोलॉजी किस चश्मे में देख रहे हैं, स्वभाव और प्रभाव, एम राइट अबाउंड। अब उसी चश्मे को देखने का एक तरीका देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैरिण कारक स्थान, ये कॉन्सेप्ट सुना आप लोगों ने? यस सर ऋषि जी ऋषि मुनियों ने इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा सर इलाबरेट करने का प्रयास किया था, और इसमें भी कुछ कुछ भ्रम है, कुछ किताबों में कुछ और मिलेगा, कुछ किताबों में कुछ और मिलेगा, देख लेना आप। अब जब मैरिण कारक की बात करते हैं तो मरण का मतलब क्या होता है? डेथ, मैं राइट हूँ। लेकिन जब किसी की डेथ होती है, जब किसी की डेथ होती है तो एक्चुअल में क्या उसकी डेथ होती है? हाँ जी, डेथ किसकी हुई? परफेक्ट उसका पुनर्निर्माण होता आंसर। साइकिल गोज ऑन सर। इट्स अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगनिंग। तो जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का डेथ हुआ तो डेथ नहीं हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो मरण कारक स्थान जो होते हैं वो आपसे क्या डिमांड करते हैं पता है? ट्रांसफॉर्मेशन, कीप दैट इन माइंड। वो आपसे डिमांड करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो उन प्लैनेट को ट्रांसफॉर्म कर लेता है उसके लिए वो मरण कारक ना रह के क्या हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और जो नहीं कर पाता उनके लिए जी क्या होगा? उनके लिए क्या होगा? प्रॉब्लम्स उनके लिए वो मरण कारक रहेगा, प्रॉब्लम के कारक रहेगा, और वो हमेशा जीवन में पाएंगे मेरी समस्या जाती ही नहीं है। मरण कारक स्थान जो ये कंसेप्ट है ये मैं सबसे एंड में देखता हूँ, इसको देखने की मैंने कभी चेष्टा भी नहीं करता हूँ, बट ऋषि मुनियों ने दिया है आप लोगों के, क्योंकि कुछ लोगों ने बीच में एक दो बार क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। मारक से आप लोग परिचित हो लेकिन मरण कारक से आप लोग फिर भी परिचित नहीं हो, राइट? ये कैसे काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। अच्छा, जुपिटर जो है कहा गया थर्ड हाउस में। अब आपको समझना होगा कि जुपिटर कहाँ पे सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, किस राशि में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है, कौन बताएगा? सर बुध की राशि में सर बुध की राशि में। एनीबडी एल्स? कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉन में, ठीक में सर लिब्रा में लिब्रा में। अच्छा, जुपिटर उच्च का कहाँ होता है? कैंसर में सर कैंसर कैंसर, राशि में कर्क करेक्ट। राशि
एकदम अनकंफर्टेबल रहता था। सेम धनु है राशि, जी, धनु राशि में उच्च का होता है, कर्क धनु में। और में होता है कर्क सर, कर्क में, में, सर कर्क में। फोर्थ नंबर उच्च एंड 10th नीच। ठीक है, जैसे ही ऊंच नीच कहा मैंने, तुरंत आप लोग के आंसर आने लगे। और जब तक मैं अनकंफर्टेबल कह रहा था, तब तक आप लोग के उत्तर नहीं आ रहे थे। तो समझाने का प्रयास ये है कि प्लैनेट को कभी भी ऊंच नीच की श्रेणी में, मरण कारक, मारक, इन श्रेणी में मत देखिए। प्लैनेट की पोजीशन को समझने का प्रयास कीजिए कि प्लैनेट चाहता क्या है। अब आप देखेंगे कि जुपिटर को जब मैं लेता हूं, तो जुपिटर के, देखो ये काल पुरुष की कुंडली आप देख लिए जी। हाँ जी, हाँ जैसे मैं जुपिटर को लेता हूं, तो जुपिटर की जो दो राशियां हैं वो कौन कौन सी है? जी, 9 एंड 12। 9 and 12, ठीक है, 9। धनु और मीन। ठीक है जी। तो विश्वनाथ जी, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो जुपिटर 9 और 12 में क्या होता है? उसकी खुद का राशि, खुद की राशि है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एक नवा भाव है, जो कि धर्म का भाव है। और दूसरा कौन सा भाव है? बार बार बाबा, मोक्ष। मोक्ष। ये एक डिवाइन प्लैनेट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये प्लैनेट जी की राशियां कहाँ आई? मृत्यु के बाद आई है, ये हमें समझना होगा। एक मृत्यु के बाद, एक जन्म के पहले। अब मुझे एक चीज बताइए, इसका सुख स्थान ये हुआ, धर्म का सुख क्या हुआ? ये हुआ, धर्म का सुख स्थान ये हुआ। और जी सर, इसका सुख क्या होना चाहिए? थर्ड हाउस। ठीक है, इस हाउस को आप यूजुअली निगेट मानते हो, क्यों निगेट मानते हो? 12th हाउस को आप हमेशा निगेटिव मानते हो, क्यों निगेट मानते हो? क्योंकि वो लगन से 12th है, राइट? हाँ जी सर, जुपिटर जो है इस हाउस, देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये हर प्लैनेट के लिए अलग अलग अप्लाई होंगे। ध्यान देखते जाना, अभी कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और तो कहीं कुछ और। देख, उसके पीछे अगर आप उसके रिसर्च में पाओगे ना, तो आप पाओगे कि प्लैनेट वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाता है, और उस इट नीड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और कैसे, मैं अपन समझने का प्रयास करते हैं। जुपिटर जब भी 4th हाउस में होता है, तो हम क्या बोलते हैं? उच्च का है, क्योंकि वो लगन का सुख है। तो हमने क्या पाया कि जुपिटर जो ज्ञान कारक है, वो सुख का कारक बन जाता है। लेकिन जब वो अव्यक्त अवस्था से 4th जाता है, तब क्या होगा? अव्यक्त, देखो यहां पे फिर से हम इस चार्ट को थोड़ा सा अलग तरीके से बांटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग भली भांति परिचित हो, तो मैं उसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कौन सा कंसेप्ट? अव्यक्त अव्यक्त वाला। ओके, आई विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन दैट, एंड आई विल जस्ट डायरेक्टली मेक अ क्रॉस। ये एक आपका, यहाँ पे आपका जन्म हुआ, एग्रीड। उसके बाद ये यहाँ पे आपकी मृत्यु हुई। ठीक है जी, तो अव्यक्त से अव्यक्त सुख स्थान समझ में आया, लेकिन अव्यक्त से जो व्यक्त पे आते हो, उसका सुख स्थान किसका है? ओकल्ट का है, मतलब उस लेवल का है। ये हाउस किसका है? एफर्ट्स, एफर्ट, एफर्ट्स और भाई करेज, बहन। करेज। विश्वनाथ जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करेंगे तब भी आपको आवाज मिल जाएगी। प्लीज और को डिस्टर्ब क्यों करना, समझ सकता हूँ आसपास सराउंडिंग में आवाज होती है कई बार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये हाउस आप बोल रहे हो किसका है? एफर्ट्स का है, करेज का है। अच्छा, इस हाउस को सबसे ज्यादा रूल, सबसे अच्छा रूल कौन सा प्लांट करता है?
मार्स भी करता है कारक के यहाँ पर इसका। और उससे भी अच्छा एक प्लैनेट यहाँ पे वो अच्छा करता है, मरकरी मर्क्यूरी। एनीबडी एल्स? राहु राहु, राहु राहु सर परफेक्ट सर्टन आंसर। सर जुपिटर सर राहु, जुपिटर। राहु परफेक्ट आंसर, राहु ही तो परफेक्ट। राहु समझने का प्रयास कीजिए, जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, वाणी का गेन नहीं है, ठीक है, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें मर्क्यूरी भी है मानता हूं, और एक एनर्जी के मामले में कौन है आपका? मार्स। मार्स भी है, लेकिन राहु यहाँ पे बहुत डिवाइनली काम करता है, इसलिए राहु को 3 नंबर राशि में सोपर्ड उच्च का कहा जाता है। ठीक है, अब हमें समझना होगा कि राहु जो है, शनिवत राहु जब हम कहते हैं, और शनि उसकी मूल त्रिकोण राशि भी आती है इसी टाइम में राहु की, राहु यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली इस ट्राइन को रूल करता है। जुपिटर जो कि अव्यक्त है, अव्यक्त से जब व्यक्त में जाता है तो जुपिटर क्या है? जुपिटर का संबंध उस दिव्य शक्ति से है, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। और वो दिव्य शक्ति जब उस राहु के प्रभाव में जाती है, राहु कहीं ना कहीं क्या है? प्रेत है। राहु कहीं ना कहीं क्या है? भ्रम है, पित्र है। राहु इज एलियन, तो ये जो जुपिटर है यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करती है। दूसरी चीज, उसकी चेष्टा होती है कि मैं अपने सुख में जाऊं। आपने ऑब्जर्व किया अगर, जब भी जुपिटर थर्ड से फोर्थ में जाता है वो अपने सुख में आ जाता है, क्यों? क्योंकि एक पीड़ा से निकल के आया है और यहाँ पे वो कंफर्टेबल ही होता है, राइट? और इसलिए हम कहते हैं उच्च का हुआ है। अगर आप हर प्लांट को देखोगे इस एंगल से ना, आपको बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। आप केवल हाउस को डिकोडिंग करना चालू करो। इसलिए कहा जाता है कि जुपिटर थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं मरण का पाया जाता है, क्योंकि वहां पे वो अनकंफर्टेबल है पूरी तरह से। लेकिन दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा, मरण कारक स्थान को मैं कहूंगा ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है। तो क्या इसको डरने की जरूरत है? नहीं है। जुपिटर किस चीज का कारक है? ज्ञान का कारक है, राइट? धर्म का कारक है। अगर वह व्यक्ति ज्ञान और धर्म को हथियार बना ले तो वही राहु उसके लिए डिवाइन हो जाता है, क्योंकि सामने धर्म स्थान है उसके सामने, धर्म स्थान है। लेकिन वो सफलता उसको तब मिलेगी जब वो थर्ड और नाइन्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है, जो क्या दर्शाते हैं पता है? शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए पता है? दूर दराज के मंदिरों में, या कम से कम 100, 200, 300 किलोमीटर की मंदिरों में कंसिस्टेंटली दिव्य शक्तियों के दर्शन करने चाहिए। महीने में एक चक्कर तो लगा ही ले, देखना जो ये मरण कारक था वो ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वही जुपिटर इसको इतने डिवाइन ब्लेसिंग देगा, उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सक्सेस का कारण बताता हूं मैं यहाँ पे। जुपिटर की दृष्टि कौन सी होती है? 5, 7, 9। हांजी सर हांजी अगर जुपिटर आपका थर्ड हाउस में, यहां से दृष्टि कहाँ देगा? 7th हाउस, स्पाउस, स्पाउस और व्यापार। 9th हाउस, धर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इनफैक्ट पवन जर्नी में। और 11th हाउस, इच्छा पूर्ति। लेकिन वो तब जब आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, तो क्या डरने की आवश्यकता है? नो सर। आगे बढ़े, ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद नेक्स्ट है मार्स। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत रेयरली यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 6 स्टेप रेमेडी में पूरा काम हो जाता है तमाम। इसकी जरूरत तभी पड़ती है जब किसी ने गाड़ी को बहुत बुरी तरह से ठोका हो और कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाए तो, ठीक है, बट एक कंसेप्ट है इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को।
बट वो सिक्स स्टेप रेमेडीज जो आप लोग को बताई गई आप उसी को करते हो पर्याप्त है, यकीन मानिएगा मेजर प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व होने लगेगी। प्रॉब्लम क्या होता है, सबको रेमेडी एक दिन में चाहिए, अल्लाह दिन का चिराग जैसा कोई एक अंगूठी चाहिए उनको, वो अंगूठी कोइंसिडेंटली मेरे पास तो नहीं है, ठीक है, और शायद किसी के पास मिलेगी भी नहीं, जो लोग बेच भी रहे वो भी झूठ बोल के बेच रहे कि अल्लाह दिन की अंगूठी है, मेरा अनुभव तो यही कहता है। और आपने लेने के बाद भी यही पाया होगा कि अल्लाह दिन का चिराग नहीं निकला होगा, जिसने भी रत्न पहना हो। हाँ जी जी बाकी लोग नहीं बोल रहे, मतलब सहमत नहीं है क्यों? नहीं कुछ नहीं सर सहमत है, लेकिन वो आर्टिस्ट इसके अच्छा लिए बंद रखते हैं। ओके ओके हाँ अंडरस्टैंड, सर बंद रखते हैं। इसका मनसाह ही नहीं इसलिए सर ओके ओके अंडरस्टैंड है। तो यही है कि रेमेडीज का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा पता है, जब अपने अंदर चेंजेस लाओगे। और आपके जी अंदर चेंजेस कब आएंगे पता है, जब आप इन्वेस्ट करोगे। और इन्वेस्ट वहां का इन्वेस्टमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, टाइम और थॉट, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट वो होगा, समझे कि नहीं? और मुझे पता वो सहज होता नहीं है, किसी को बोलो तो ध्यान लगा ध्यान लगा ध्यान लगा, ध्यान लगी नहीं, तो मैं कहां से लगाऊं, उसका प्रश्न यही होता है, मैं ध्यान नहीं लगा पाया मैं भाई, मन में ढेर सारे सवाल है। उसके लिए आवश्यक क्या होता पता है, एनर्जी को आपको दो तरीके से काम करना पड़ता है जो हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी, पहले पहला क्या डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा क्या है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट मंत्र जाप ये प्रिलिमिनरी स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है। और इससे भी ज्यादा पहला स्टेप एक है, अगर आपके पास कोई डेटी मंत्र हो तो बहुत बढ़िया काम करता है, एक डेटी मंत्र तो आप लोग रखिए, जिसको भी आप मानते हो, जिस पे भी आपकी आस्था हो, जिस पे भी आपकी उस खुदा पे आस्था आस्था है, उसका जाप कीजिए, कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, जिस पे भी आस्था हो, किसी भी धर्म में हो, दिल से जुड़ी है लेकिन स्वार्थ से नहीं, शक्ति शक्ति होती है, ठीक है, और सनातन ने यही सिखाया हमेशा। अब हम बात करते हैं मार्स की, मार्स के पास कौन कौन से दो हाउसेस है, वन वन एंड एंड एट, एट वन एट, फर्स्ट परफेक्ट, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताइए कि मार्स कारक किसका है, सिक्स एनर्जी एनर्जी सर और एनर्जी एनर्जी दे का कारक है देह कारक, परफेक्ट आंसर, दे कारक देह कारक है, परफेक्ट आंसर। अब वो जो देह है, देह जो हम बोलते हैं, इसका 12th, उस देह का नाश कब होता है, 12th में, ये क्या आपका बेड प्लेजर है, ये आपका क्या है बेड प्लेजर, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपको योगी जीवन जीना तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस बेड प्लेजर में उस शरीर का नाश नहीं होता है, उस शरीर में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होते, और उस विकार की वजह से उस आत्मा का भी नाश होता है जो इससे कहीं ना कहीं ट्राइन से कनेक्टेड है, राइट, मानते हो कि नहीं बात, जी इसलिए कहा जाता है सर ये। अब इसी को आप अगर समझने का प्रयास करें, ये इससे 8th है, और इस देह के प्लेजर से 8th क्या है आपका, दाम्पत्य सुख सो कॉल्ड, ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में बैठे हुए हैं, मतलब इसका लॉस इसने किया और इसका लॉस किसने किया, इसने किया, क्योंकि ये देह कारक है, क्योंकि ये देह कारक है मंगल, इसलिए इसको मरण स्थान में यहां नहीं पाया गया, क्यों नहीं पाया गया, क्योंकि देह जो है अव्यक्त के बाद आगे नहीं जा रही है, समझे कि नहीं, इसको देह का आधार माना ना ऋषि मुनियों ने, तो जो उस व्यक्त फॉर्म में 7th हाउस को नेगेटिव पाया गया, इसलिए आपने देखा भी होगा 7th हाउस में जिसके भी मंगल होता है उसको स्पेशली मंगल दोष की चरण सीमा कही जाती है, सुना होगा आप लोगों ने, जी सर और उसके जीवन में
दाम्पत्य सुख में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दिक्कत आती है। और यो तो छोड़ दो, क्योंकि एट्थ हाउस को भी निगेट कर रहा है। एट्थ हाउस क्या आपका धर्म है, और उस समय उपाय क्या कहा जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करो, राइट। एक उपाय और होता है, पीपल के पेड़ से कनेक्ट करके पूजा करवाई जाती है। और भी एक उपाय होता है क्या, उस व्यक्ति को शिव जी के अनुरूप शिव जी से कनेक्ट किया जाता है, जाता है ना। आप क्या कर रहे हैं वहां पे, आप उस व्यक्ति को यहां से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये दोनों हाउस एक हो जाए और इसकी पीड़ा कम हो जाए। अब ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ मुझे बताइए। मंगल क्या है, ऊर्जा है। मंगल क्या है, एक एनर्जी है। वो अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट करेगा, समझने का प्रयास कीजिए। मंगल एक ऊर्जा है, वो अपॉर्चुनिटी कब क्रिएट करेगा, किसके लिए करेगा, एक थॉट प्रोसेस दीजिए अपने आप को। आप एनीबॉडी? सर अपने अपने हाँ जी बोलिए मैम। लिए 8,000 के ये लिए। अगर मेरा चार्ट तो मेरे लिए बोले करेगा ना, पॉजिटिव क्रिएट ना मैम। जब हाँ मैं बोल वही अपने जब बिल्स हाँ जब मैं कहता हूँ बस हाउस। ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन कब देगा, गिव ए थॉट। वो 7th हाउस में बैठ के 1st हाउस को ही देख रहा है, लग्न को देख रहा है। तो ठीक है, सर अगर परफेक्ट। हम और फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं कुछ भी, जॉगिंग वॉक स्विमिंग, तो वो अच्छी जगह डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? गर्म जी जी नितिन जी बताइए। नितिन जी, नितिन नितिन जी, आपके साउंड क्वालिटी में थोड़ी दिक्कत है, बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। एनीबडी एल्स? ओके सर। थैंक यू। एनीबडी एल्स? देखिए आफ्टर मैरिज सर वो मूलाधार मूलाधार एनर्जी भी, मतलब मूलाधार चक्कर में एनर्जी क्रिएट करेगा वहां पे। सर आप कुछ नजदीक सेकेंड गए, हाउस यूज करना पड़ेगा आप कुछ एकदम नजदीक गए थे मूलाधार। और किसी भी पद्धति में तो बहुत कम सर अष्टम राजीव जी, सीखने की बात जी एट एक थाउजेंड एट थाउजेंड सर सेकेंड हाउस का काम करना पड़ेगा, जी। सेकेंड हाउस को करना पड़ेगा अच्छा, सेकंड ऑन कैसे सर। करेंगे मैम? जो जो हाँ जी, हाँ जी, फैमिली के लिए वाणी चलिए बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। सर, जो 8th हाउस में जो मूलाधार शक्ति है वो 7th हाउस उसको निगेट करता है, तो वहाँ एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होने से यस, वो आपने 8th हाउस की एनर्जी। अंजनी जी, आपने परफेक्ट आंसर दिया है। देखिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा पता है, 8th हाउस में एनर्जी छुपी हुई है, 8th हाउस में पूरी एनर्जी छुपी हुई है। उस एनर्जी को कौन रोकता है पता है आपको, 7th हाउस रोकता है, जिसे हम क्या कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, ये मैंने एक क्लास दी थी आप लोगों, अगर जो क्लास में अटेंडिव थे, लहसुन प्याज के ऊपर एक प्रश्न उठा था, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए साधक को, तब भी मैंने ये चीज समझाई थी कि जैसे आप लहसुन प्याज खाते हो, आपको जो 7th हाउस है वो प्योरली एक्टिवेट होता है। हम जब बोलते हैं हमारे हॉर्मोन्स, ठीक है, डिजायर्स वाले हॉर्मोन्स, वो एक्टिवेट होते हैं, और 7th हाउस को कहीं ना कहीं बल मिलता है, और ये 7th हाउस इस एनर्जी को यहाँ पे रोके हुए। अब ये 7th हाउस हमेशा इसको निगेट करता है। हम जीवन में इसीलिए जो साधु महात्मा हमेशा ब्रह्मचर्य पर बल क्यों देते हैं, क्योंकि सबसे पहले उस ऊर्जा को निकलने के लिए रोकने का काम यही कर रहा था। हम समझ नहीं पाते थे उसके पीछे का, ये साइंस था, दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल रीजन। अब इस 7th हाउस को जैसे मंगल की ऊर्जा मिलती है, मंगल क्या करता है, एक अग्नि, अग्नि ठीक है, ये वायु तत्व राशि में अग्नि तत्व प्लैनेट बैठा है, वायु तत्व राशि में अग्नि तत्व प्लैनेट बैठा हुआ, और जो राशि का लॉर्ड है वो भी जल तत्व है, वो भी कुछ काम का नहीं करेगा। अब इसको जैसे मैं निगेट करता हूं, ये जो अग्नि है ना, जैसे ये इस अग्नि का लिंक यहां से जोड़ेगा, क्या होगा, एनर्जी फ्लो हो जाएगा।
क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल जो होता है, इसीलिए आपने भगवद गीता में सुना होगा, तुम काम रूपी दुर्जय को बलपूर्वक, काम रूपी दुर्जय को बलपूर्वक उसको क्या करो, नष्ट करो। सुना है आप लोगों ने, पहले सबसे पहले भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ पाओगे। क्यों कहा है? क्योंकि जब तक ये ऊर्जा आगे नहीं बढ़ेगी तुम कैसे विजयी होगे? तुम्हें ऊर्जा यहां पहुंचानी है, और सबसे पहले तो यही आता है ना ऑब्स्टेकल, और मंगल उसको नष्ट कर सकता है एक एनर्जी के रूप में। तब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे एनर्जी फ्लो होगा आपके अंदर, आपके अंदर ना उस एनर्जी को बैलेंसिंग की टेक्निक आ जाएगी। फिर जैसे फर्स्ट हाउस की मैम ने कहा एक्सरसाइज, जब आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, या फिर कई लोग, कई साधक मुद्राओं पे काम करते हैं। खैर मुद्राओं का टॉपिक किसी ने पूछा था, मुद्राओं के क्लास लोगे क्या? मतलब लेने को सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन अगेन इट विल बी टाइम कॉन्स्टेंट। जब हम किसी मुद्रा पे काम करते हैं, अलग अलग मुद्राएं होती है, आप उस मुद्रा में बैठते हो, उसी के लिए, उसके लिए क्या चाहिए? केवल डिसिप्लिन नहीं चाहिए, मंगल की ऊर्जा भी चाहिए। यहाँ बैठ के इसको बैलेंस करेगा, बस इस ऊर्जा को फ्लो करने में मदद करेगा। और जैसे ऊर्जा फ्लो होगी ना, ये हाउस अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जो मेवेंट कारक हाउस था वो क्या हो गया, अब वो एनर्जी भर गए उसके अंदर, वो जो दाम्पत्य सुख है वो भी आ जाएगा, व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा। समझे कि नहीं? सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, करना पड़ेगा उसको, अपने आप को डिसिप्लिन करके उस एनर्जी को मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेवन कारक से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जो जिनके मंगल दोष होते हैं, जिनके भी चार्ट में इस तरह की चीजें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? शिवजी से कनेक्ट करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्या बोलते हैं? 11 बार डेली हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, ठीक है, और हनुमान जी का तिलक लगाया करो मंदिर में जाकर के। हाँ, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? या फिर पीपल का पेड़ का किया जाता है। अब पीपल का पेड़ क्या है आप जानते हो? ब्रह्म स्थान कहा जाता है। राहु राहु की प्रॉब्लम का सलूशन कहाँ है? पीपल के पेड़ पे। सुना है आप लोगों ने? जी सर, जी सर, अमावस्या के दिन 108 फेवे लगाओ राहु के, उस पीपल के पेड़ के, हर अमावस्या लगाओ, जल चढ़ाने दिया जलाओ, और हाउस और ओम नमः शिवाय जाप करते हो, 108 फेवे लगाओ कम से कम, कैसी भी राहु की समस्या हल होगी, होगी तो होगी, लेकिन 108 लगाओगे आप, पहला कुछ नहीं यहाँ होता है। आप बोले मैं थक जाऊंगा, और मुश्किल से 1 घंटे का समय लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। मुझे बताओ पीपल के पेड़ को एक चक्कर लगाने में कितने मिनट सेकंड लगते हैं? 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड? ओम नमः शिवाय जाप करते रहना है, उसी में आपकी कम से कम 10-15 माला जाप भी हो जाएगी, और सच्चे दिल से करो। राहु वश में आ जाएगा कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, वो जो जाप है उसको बंधन कर रहे हो, और 108 बार मतलब 108 नक्षत्र, सभी के सभी 108 देवता वहां पे उसके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट में आ जाएंगे, बस सबूत बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे ही जब मैं मंगल का करता हूं कोई उपाय, या फिर शिवजी का उपाय करता हूँ, और पीपल के पेड़ का उपाय कनेक्ट करता हूँ, तो मैंने 8th हाउस की एनर्जी को खींची यहाँ से, और जब यहाँ से खींच उठता है तो आगे भेजना आसान हो जाता है। मैम आप कुछ बोल रहे थे, मैंने काट दिया था आपकी बात। सर यही कि सोमवती अमास पर इसीलिए हम लोग जाते हैं ना 108 बार अब आप चक्कर लगाने पीपल पर। सोमवती अमावस्या किससे कनेक्टेड है? शिवजी से कनेक्टेड है, आप भी जानते हो, और आप किससे कनेक्टेड है? चंद्र से कनेक्टेड है। जिसका भाई मन, राहु सबसे पहले अटैक किस पे करता है? मन पे करता है, और जिसके मन पे अटैक हो गया वो क्या करता है? हेलुसिनेट करता है। जो हम बोलते हैं ना, किसी के प्रेत बाधा आई, किसी पे तंत्र बाधा आई, उसके अंदर साया आ गया, इट्स अ प्योर केस राहु की पॉइजनिंग, और मून का कंट्रोल पूरी तरह से जा चुका है। ठीक है, मैं अक्सर आप लोग क्यों कहता हूँ रेमेडी देते हुए, मून राहु अगेन दशा, ये तीन देखना ही देखना है, पूरी कुंडली आपको खुल के दिख जाएगी प्रॉब्लम कहाँ है। और अनशंट वेडी में रेमेडी मत देना, आप जैसे ही राहु के कारक होके अनशंट रेमेडी दोगे ना, वो राहु आपके घर में, आपके कुंडली में प्रवेश कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि राहु हर एक के कुंडली में होता है। जो राहु आज मुझे मदद कर रहा है, इसलिए कई लोग बोलते हैं सर मेरे कुंडली में पितृ दोष है, अब मैं कैसे समझाऊं बेवकूफो,
सो अभी ये वर्ड मैंने यूज किया, मुझे नहीं यूज करना चाहिए, क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं थक जाता हूं कि यार पित्व दोष, पित्व कौन है, राहु है, हर एक के कुंडली में पित्व है, और वो पित्व दोष कभी भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। जब भी आप राहु को निगेटिवली यूज करोगे, जब भी राहु आपके जीवन में चाहेगा आपके लिए पित्त बन सकता है, ध्यान देना। अगर आप राहु का उपाय कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, वो कभी पित्त दोष नहीं बनाए, भले आपके चार्ट में वो कितने भी प्लैनेट के साथ बैठा हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। ठीक है, शनि जो है उसके घर कौन सा है? 10 and 11 परफेक्ट। अब शनि के लिए कहा जाता है कि शनि, शनि नेटल में जो होता है, लगन में होता है, वो क्या हो जाता है? मेवन कारक। मेरे लगन में शनि बैठा है, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप मुझे बताइए ये दोनों हाउस किसके है, अव्यक्त? ये दोनों हाउस किसके, अव्यक्त? इसका सुख और इसका एफर्ट्स, इसका सुख और इसका एफर्ट्स। ठीक है जी, प्लस शनि इसमें नीच का भी कहा जाता है, क्या वो तो डिफरेंट स्टोरी, वो तो हमने डिस्कस किया था पहले, उस पर अभी हम यहाँ पे टच नहीं करेंगे, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, नए लोग पुरानी वीडियो देख लेंगे। आप खुद देखिए शनि कारक किस चीज का है। सर, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और जस्टिस, जस्टिस, कार्मिक प्रारब्ध, कर्म कारक कर्म कारक। सेवा, आपने देखा होगा कि शनि को यह स्थान मिला हुआ है जो कि अव्यक्त है, और इससे वापस जब 10th जाते हो जो कि व्यापार है, उसको भी शनि दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए, क्योंकि पब्लिक है, शनि इज पब्लिक, यानी कोई व्यक्ति जन कल्याण के लिए मेहनत करता है, कर्म करता है, और उससे कई लोगों का पेट भरता है, व्यापार करता है, तो शनि क्या हो गए, उच्च के हो गए, शनि कंफर्टेबल हो जाते हैं। होते नहीं होते? जी सर, यस सर, सर, एक्सप्लेन सर। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका धर्म स्थान हो जाता है, मतलब इच्छाओं का धर्म स्थान, और ये आपका दाम्पत्य सुख भी है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि शनि दाम्पत्य सुख में कमी लाता है, सुना होगा आप लोगों ने बात, शनि सप्तम में ठीक नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनि जिस हाउस में बैठता है ना, उस हाउस में वो मेहनत कराता है, घिसता है, आपको पहले लायक बनाता है, समझे? फर्स्ट हाउस क्या है, आपका ब्रेन, आपके थॉट, ब्रेन स्टॉर्मिंग, फर्स्ट हाउस में भी वो क्या करेगा, घिसाएगा आपको, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएगा, विचार सागर मंथन कराएगा। नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको मंद बुद्धि बना देगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति का कब होगा, जब वो व्यक्ति एफर्ट्स देगा, किस फॉर्म में, अव्यक्त की चीज आई है यहाँ पे, ध्यान देना, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा, तब वो यही जो प्लैनेट है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुख कारक बन जाएगा, क्योंकि उसने कर्म को सही यूज किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ब्रेन में गया ना वो। याद करो, हम लोग कुछ भी अपने प्रिंसिपल्स को से आगे नहीं बढ़ रहे, अगेन पहले हम क्या पकड़ रहे, भाव को पकड़ रहे, फिर क्या पकड़ रहे, प्लैनेट के कारक को, प्लैनेट के स्वभाव को समझ रहे, और फिर क्या देख रहे, क्यों किस तरह का प्रभाव देगा। याद करो, सिंपल, आप एस्ट्रोलॉजी इस तरह से करोगे, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कहीं भी। ऋषि मुनियों ने जो श्लोक लिखे हैं,
उन श्लोक्स को भी अगर आप इस फॉर्म में देखना चालू करो, आपको रियल समझ में आ जाएगा वो बोलना क्या चाह रहे थे, वो कहना क्या चाह रहे थे। तो मुझे बताओ, जो शनि फर्स्ट हाउस में सो कॉल्ड नीच का कहलाता है, अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया जाए तो क्या वो शनि पॉजिटिव नहीं बनेगा? क्योंकि वो डिवाइन ब्लेसिंग है, क्योंकि शनि अकेला नहीं आता, शनि राहु के साथ आता है, भूलना नहीं हमें, शनि हमेशा राहु के साथ आता है। अब ऐसे चार्ट में जिनके भी लगन में शनि हो, शनि की दशा आ जाए, बहुत बुरा हाल होता है अगर उसने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया तो। किस तरह का? ब्रेनस्टॉर्मिंग एफर्ट्स, ओ भी जन कल्याण शनि के स्वभाव के हिसाब से, डिसिप्लिन जन कल्याण मेहनत। तो मेवन स्थान का, मेवन कारक का क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में हो गया? इस फॉर्म में हुआ, पॉजिटिव हुआ ना जी, पॉजिटिव। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? बाकी के पांच मुझे आप लोग इस वीडियो के नीचे डाल के दोगे और कल हम डिस्कस करेंगे। राहु मेवन का कब होता, नाइन्थ में क्यों है, मून एट में क्यों है, सन ट्वेल्थ में क्यों है, मरक्यूरी सेवेंथ में क्यों, वीनस सिक्स में क्यों है। होमवर्क एक्सेप्टेड या नहीं?